बैलगाड़ी से कूदकर एक सिपाही की तलवार छीनकर महेंद्र सिंह ने भी चाहा कि युद्ध में योग दे। इसी समय उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई दिया कि युद्ध में लगा हुआ दल और कोई नहीं बल्कि डाकुओं का दल है। धन छीनने के लिए इन लोगों ने सिपाहियों पर आक्रमण किया है। जब विचार कर महेंद्र युद्ध से विरत होकर दूर जा खड़े हुए, उन्होंने सोचा कि डाकुओं का साथ देने से उन्हें भी दुराचार का भागी बनना पड़ेगा। वे तलवार फेंक कर धीरे धीरे वह स्थान त्याग कर जा रहे थे। इसी समय भावानंद उनके पास आकर खड़े हो गए। महेंद्र ने पूछा, महाशय आप कौन हैं? भावानंद ने कहा, इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन है? महेंद्र, मेरा कोई प्रयोजन नहीं, आज आपके द्वारा मैं विशेष रूप से उपकृत हुआ हूँ। भावानंद, मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि हाथों में हथियार रहते हुए भी तुम युद्ध में विरत रहोगे। जमींदारों के लड़के दूध घी का श्राद्ध करना तो जानते हैं, लेकिन काम के समय बंदर बन जाते हैं। भवानंद की बात समाप्त होते ना होते महेंद्र ने घृणा के साथ कहा, यह तो अपराध है, डकैती है। भवानंद ने कहा, हाँ डकैती, हम लोगों के द्वारा तुम्हारा कुछ उपकार हुआ था, साथ ही और भी कुछ उपकार कर देने की इच्छा है। महेंद्र, तुमने मेरा कुछ उपकार अवश्य किया है, लेकिन और क्या उपकार करोगे? फिर डाकुओं द्वारा उपकृत होने के बदले अनुपकृत होना ही अच्छा है। भवानंद, उपकार ग्रहण न करो यह तुम्हारी इच्छा है, यदि इच्छा हो तो मेरे साथ आओ, तुम्हारी स्त्री कन्या से मुलाकात करा दूंगा। महेंद्र पलटकर खड़े हो गए, बोले, क्या कहा? भवानंद ने इसका कोई जवाब न देकर पैर आगे बढ़ाया। अंत में महेंद्र भी साथ साथ आने लगे। साथ ही मन ही मन सोचते जाते थे, ये सब कैसे डाकू है। उस चांदनी रात में दोनों ही जंगल पार करते हुए चले जा रहे थे। महेंद्र चुप, शांत, गर्वित और कुछ कौतूहल में थे। सहसा भवानंद ने भिन्न रूप धारण कर लिया। वे अब स्थिर मूर्ति, धीर प्रवृत्ति, सन्यासी ना रहे, वे रण निपुण वीर मूर्ति, अंग्रेज सेनाध्यक्ष का सर काटने वाला रुद्र रूप अब ना रहे। अभी जिस गर्वित भाव से वे महेंद्र का तिरस्कार कर रहे थे, अब भवानंद वे न थे, मानो ज्योत्स्नामयी शांतिमयी पृथ्वी की तरु कानन नद नदीमय शोभा लिखकर उनके चित्त में विशेष परिवर्तन हो गया हो। चंद्रोदय होने पर समुद्र मानो हंस उठा। भवानंद हसमुख मुखर प्रिय संभासी बन गए और बातचीत के लिए बहुत बेचैन हो उठे। भवानंद ने बातचीत करने के अनेक उपाय रचे, लेकिन महेंद्र चुप ही रहे। तब निरुपाय होकर भवानंद ने गाना शुरू किया, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। महेंद्र यह गीत सुनकर कुछ आश्चर्य में पड़ गए, वे कुछ समझ ना सके। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम माता कौन है? उन्होंने पूछा, यह माता कौन है? कोई उत्तर ना देकर भवानंद गाते रहे, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल कुसुमित द्रुम दल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदाम वरदाम मातरम। महेंद्र, यह तो देश है, यह तो माँ नहीं है। भवानंद, हम लोग दूसरी किसी माँ को नहीं मानते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी माता जन्मभूमि ही हमारी जननी है। हमारे ना माँ है, ना पिता है, ना भाई है, कुछ नहीं है, स्त्री भी नहीं, घर भी नहीं, मकान भी नहीं। हमारा अगर कोई है तो वही सुजला सुफला मलिज सिमरन शीतला सस्य श्यामला। अब महेंद्र ने समझ कर कहा, तो फिर गाओ। भवानंद फिर गाने लगे, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल कुसुमित द्रुम दल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कराले द्विसप्तकोटि भुजय धृत खरकर वाले अबला केनो माम तुमी ए तो बले बहुबल धारिणीम नमामि तारिणीम रिपु दल वारिणीम मातरम वंदे मातरम। तुमी विद्या तुमी धर्म
तुमी हरि तुमी कर्म त्वम हिम प्राण शरीरे बाहुते तुमी माँ शक्ति हृदय तुमी माँ शक्ति तुम्हारी प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे त्वम हि दुर्गा दस प्रहरण धारिणीम कमल कमल दल विहारिणीम वाणी विद्यादायिनीम नमामिम त्वम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरनी भरनी मातरम वंदे मातरम। महेंद्र ने देखा दस्यु गाते गाते रोने लगे। तब महेंद्र ने विस्मय से पूछा, तुम लोग कौन हो? भवानंद ने उत्तर दिया, हम लोग संतान हैं। महेंद्र, संतान क्या, किसकी संतान है? भवानंद, माता की संतान। महेंद्र, ठीक, तो क्या संतान लोग चोरी डकैती करके माँ की पूजा करते हैं? यह कैसी मातृभक्ति? भवानंद, हम लोग चोरी डकैती नहीं करते। महेंद्र, अभी तो गाड़ी लूटी है। भवानंद, यह क्या चोरी डकैती है? किसके रुपए लूटे हैं? महेंद्र, क्यों, राजा के। भवानंद, राजा के? वह क्यों इन रुपयों को लेगा? इन रुपयों पर उसका क्या अधिकार है? महेंद्र, राजा का राजभाग। भवानंद, जो राजा राज्य प्रबंध ना करे, जनता जनार्दन की सेवा ना करे, वह राजा कैसे हुआ? महेंद्र, देखता हूँ तुम लोग किसी दिन फौजी की तोपों के मुंह पर उड़ जाओगे। भवानंद, अनेक साले सिपाहियों को देख चुका हूँ, अभी आज भी तो देखा है। महेंद्र, अच्छी तरह नहीं देखा, एक दिन देखोगे। भवानंद, सब देख चुका हूँ, एक बार से दो बार तो मनुष्य मर नहीं सकता। महेंद्र, जानबूझकर मरने की क्या जरूरत है? भवानंद, महेंद्र सिंह, मेरा ख्याल था कि तुम मनुष्यों के समान मनुष्य होगे, लेकिन देखा जैसे सब है वैसे तुम भी हो, घी दूध खाकर भी दम नहीं। देखो सांप मिट्टी में अपने पेट को घसीटता हुआ चलता है, उससे बढ़कर तो शायद ही कोई ना हो, लेकिन उसके शरीर पर भी पैर रख देने पर वह फन काढ़ लेता है। तुम लोगों का धैर्य क्या किसी तरह भी नष्ट नहीं होता? देखो कितने देसी शहर हैं, मगध मिथिला काशी कराची दिल्ली कश्मीर, उन जगहों की ऐसी दुर्दशा है। किस देश के मनुष्य भोजन के अभाव में घास खा रहे हैं? किस देश की जनता कांटे खाती है, लता पत्ता खाती है? किस देश के मनुष्य सियार कुत्ते और मुर्दे खाते हैं? आदमी अपने संदूक में धन रख कर भी निश्चित नहीं है, सिंहासन पर शालिग्राम बैठा कर निश्चित नहीं है, घर में बहू नौकर मजदूरनी रख कर निश्चित नहीं है। हर देश का राजा अपनी प्रजा की दशा का भरण पोषण का ख्याल रखता है। हमारे देश का यवन राजा क्या हमारी रक्षा कर रहा है? धर्म गया, जाति गई, मन गया, अब तो प्राणों पर बाजी आ गई है। इन नशेबाजों को बिना भगाए क्या हिंदू हिंदू रह जाएंगे? महेंद्र, कैसे भगाओगे? भवानंद, मार कर। महेंद्र, तुम अकेले भगाओगे? एक थप्पड़ मार कर क्या? भवानंद ने फिर गाया, सप्त कोटि कंठ कलकल निनाद कराले, द्विसप्त कोटि भुजय धृत खरकर वाले, अबला केनो माँ तुमी एतो बलवे। महेंद्र, किंतु देखता हूँ तुम तो अकेले हो। भवानंद, क्यों, अभी तो 200 आदमियों को देख चुके हो। महेंद्र, क्या वे सब संतान हैं? भवानंद, हाँ सब संतान हैं। महेंद्र, और कितने लोग हैं? भवानंद, इसी तरह हजारों हैं, धीरे धीरे और बढ़ेंगे। महेंद्र, बहुत होगा, 10-20 हो जाओगे, लेकिन क्या इतने से ही यवन भाग जाएंगे? क्या वे सहज ही राज्युत होंगे? भवानंद, प्लासी में अंग्रेजों की फौज कितनी थी? महेंद्र, अंग्रेज और बंगाली बराबर है? भवानंद, ना, कैसे बराबर होंगे, शरीर में अधिक बल होने से क्या गोला ज़्यादा तेज चलता है? महेंद्र, तब अंग्रेजों और यवनों में इतना अंतर क्यों है? भवानंद, मान लो एक अंग्रेज प्राण जाने पर भी भागता नहीं, लेकिन एक यवन पसीना आते ही भागता है, शरबत की खोज करता है। इसके बाद मान लो अंग्रेज जो करना चाहते हैं करके छोड़ते हैं, उनमें लगन होती है, लेकिन यवन आराम तलब होते हैं, रुपयों के लिए प्राण देते हैं, उस पर तनख्वाह भी तो नहीं पाते। सबसे अंतिम बात यह है कि अंग्रेज साहसी होते हैं, एक गोला एक ही जगह जाकर गिरेगा, 10 जगह नहीं। अतः एक गोले को देखकर 10 आदमियों को भागने की क्या जरूरत है? एक गोले के छूटते ही यवन फौज की फौज भागती है, लेकिन सैकड़ों गोले देखकर भी अंग्रेज तो नहीं भागता। महेंद्र ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, तुम लोगों में ये सब गुण है? भवानंद, नहीं, लेकिन गुड़
लेकिन गुण पेड़ों में तो नहीं फलते, अभ्यास से ही आते हैं। महेंद्र भवानंद की बात सुनकर विचार मग्न हो गया।